हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जी एच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे केवट प्रसंग। काफ़ी दिन से आपका जो है कमेंट आ रहा है कि केवट प्रसंग का जो है सारांश ही बताया जाए, तो चलिए केवट प्रसंग का हम सारांश समझते हैं। तो बहुत सारा कमेंट मैं देखता हूँ, यही कमेंट आया था कुछ कल या परसों आया था कि सर गद्यपाठ विधि पर जो है वीडियो बनाइए। ऑलरेडी गद्यपाठ विधि पर वीडियो बन चुका है। और एक कमेंट आया था झांसी की रानी पे वीडियो बनाए, ऑलरेडी झांसी की रानी पे वीडियो बना चुका हूँ। तो आप ऐसे कमेंट करते हैं जिसका वीडियो ऑलरेडी हो चुका है या तो क्रिया पर। और एक आया था कमेंट सर सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर वीडियो बनाए, ऑलरेडी क्रिया पर वीडियो बन चुका है। सकर्मक क्रिया हो, अकर्मक क्रिया हो, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सारी चीज़ क्रिया का वीडियो देखिए, उस पर ए टू जेड सारे क्रिया का आपको समझ में भी आसान तरीके से आ जाएगा क्रिया का वीडियो। अगर कुछ डाउट है मुझे वहीं पर वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। आप बोलते हैं बनाइए, जो चीज़ बना चुका हूँ फिर कैसे बनाऊँ, ठीक है, तो आप देखते नहीं हैं इसका मतलब प्लेलिस्ट। चलिए केवट प्रसंग। तो केवट प्रसंग में सबसे पहले यहाँ पर राम जी की महिमा का वर्णन किया गया है, उसके बाद केवट जो राम जी से बातचीत करता है फिर उसका वर्णन किया गया है इस केवट प्रसंग पे। तो तुलसीदास द्वारा लिखी थी कविता। तो केवट प्रसंग पे सबसे पहले कवि ने राम की महिमा का, राम जी की महिमा का वर्णन किया है। और राम जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिनके स्मरण से दो चार चीज़ यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है कि जिसके स्मरण से अजामिल जैसे राक्षस भी भवसागर से पार हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। दृष्ट डाकू शैतान अजामिल जैसे राक्षस भी भवसागर से जो है पार हो जाता है, जिसके स्मरण से सुमेरु पर्वत, एक पर्वत का नाम लिया गया है, वो भी जो है कैसा हो जाता है ना, एक छोटा सा शिला खंड की तरह हो जाता है। और जिसके स्मरण से समंदर भी जो है बकरी के खुर जैसे छोटा हो जाता है। तो जिसके इतनी, यानी यहाँ पर राम जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जिसके स्मरण से ऐसा होता है, अजामिल जैसे राक्षस को भवसागर से पार किया जाता है उसे मुक्ति मिल जाती है। जिसके स्मरण से सुमेरु पर्वत जो है एक छोटा सा शिलाखंड जैसे प्रतीत होता है, जिसके स्मरण से क्या होता है न समंदर भी कैसा होता है, न समंदर भी एक बकरी के खुर जैसे हो जाता है। और फिर आगे बोलते हैं कि जिनके चरण कमलों से गंगा प्रकट होती है, गंगा निकलती है, जिनके चरण कमलों से गंगा प्रकट होती है, गंगा नदी निकलती है, और आगे गंगा नदी क्या करती है न उसमें नहाने वालों का ऐसा माना जाता है कि पाप दूर होता है। तो बोलते हैं जिसके चरण कमल से गंगा प्रकट होती हो, जिसमें नहाकर लोग अपनी पाप से मुक्ति पाते हो, जिनका यहाँ पर महिमा का वर्णन किया गया है कि जिनके स्मरण से सुमेरु पर्वत शिलाखंड लगता हो, जिनके स्मरण से क्या होता है ने समंदर बकरी कुर जैसा छोटा लगता हो, जिसके स्मरण से अजामिल जैसे राक्षस को मुक्ति मिलती हो, वो रामचंद्र जी जो हैं आज गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। और केवट भी बड़ा चालाक है, देखिए जाति का तो नाविक है ये, और रामचंद्र जी का पैर धोने के लिए, चरण को स्पर्श करने के लिए, धोने के लिए, अपनी मुक्ति पाने के लिए वो जिद करता है। पर उसके जिद करने का तरीका जो है ना, प्रोसेस वो चालाकी करता है कि डायरेक्टली नहीं बोलता रामचंद्र जी का चरण धोगा, जाति का नाभिक है, तो वो जो है अपना एक प्लान बनाता है केवट के, मुझे रामचंद्र जी का जो है क्या करना है, चरण को धोना है, और उसके लिए हट कर बैठता है। हट करना मतलब जिद करता है। क्या कहता है ना, रामचंद्र जी समय आते हैं, रामचंद्र जी को बोलता है कि मैंने सुना है कि आपके चरण के स्पर्श से शिलाखंड जो है नारी में परिवर्तन हो जाती है, और ये मेरी नाव ये तो लकड़ी की है, अगर आपके पैर की धूल लग गई इस पे और ये भी जो है एक नारी में परिवर्तन हो जाएगी। केवट बोलता है, देखिए अपना तर्क किस प्रकार देता है। केवट का मकसद होता है कि प्रभु का चरण जो है उसको धो दे, ये जो है केवट का मकसद होता है। तो वो श्री राम जी से क्या बोलता है कि आपके, मैंने सुना आपके चरण के धूल से जो है शिलाखंड किस में परिवर्तन हो गई है, नारी में परिवर्तन हो गई है, अगर ये तो मेरी लकड़ी की है, जब शिलाखंड पत्थर नारी में परिवर्तन हो गई है तो ये मेरे लकड़ी की नाव है, अगर आपके पैर का धूल लगा इस पे तो ये भी नारी बन जाएगी, और मैं जो है इससे क्या करता हूँ, मैं अपना पलता हूँ इससे,
ठीक है, ये नाव से ही मुझे जो है जो जितना पैसा मिलता है जो भी मिलता है, पैसा तो उस जमाने में नहीं था, तो ये नाव से ही क्या होता है ना, मेरा पालन पोषण होता है। अगर आपके पैर के धूल लगने से मेरा नाव भी उस पत्थर जैसे, शिलाखंड जैसे बदल गई थी स्त्री में, वैसे ही नारी में परिवर्तन हो गई, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक ही उपाय है मेरे भरण पोषण करने का, मेरे परिवार को संभालने का, तो आपके स्पर्श अगर हो गई मैं क्या करूँगा? फिर बोलता है कि मेरे घर की घरणी, मेरी मेरी वाइफ को मैं क्या जवाब दूंगा? वो बोलेगी ये फिर कौन स्त्री है। ठीक है, तो केवट जो है अपना विचार इस प्रकार रखता है, इसलिए केवट बोलता है कि मैं चाहता हूं आपके पैर को, चरण को अच्छी तरह से धो लूं, उसके बाद आप मेरे नाव में सवार हो जाएं। फिर केवट बोलता है यहां से थोड़ी दूर पर मैं उतर के दिखाऊं, ये थोड़ा सा पानी है, कमर भर पानी है, और इस कमर भर पानी में आप बैठ कर भी आप उसके अंदर से जो है गंगा पार कर सकते हैं। यानी केवट का मकसद ये होता है कि कैसे मैं चरण स्पर्श करूं, कैसे मुझे राम जी के चरण के धोने का मौका मिल जाए, ये होता है केवट का मकसद होता है, केवट का एम यही होता है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोलता, वो क्या करता है थोड़ा घुमा फिरा कर बोलता है, और इस प्रकार बोलता है, क्वेश्चन भी इससे आते हैं। और दो तीन एग्जाम्पल आप याद रखें कि श्री राम जी की महिमा का कैसे वर्णन किया गया है, तुलसीदास महिमा का वर्णन करते हैं, ये दो चार चीज़ याद रखना कि अजामिल जैसे राक्षस को भी जो है, हाँ क्या होता है ना, भवसागर से पार हो जाता है, उसको मुक्ति मिलती है। आपके स्मरण से क्या होता है ना, पहाड़ भी एक शिलाखंड जैसे लगता है, सुमेरु पहाड़ शिलाखंड जैसे लगता है। आपके स्मरण से क्या होता है ना, नदी भी जो है एक बकरी की खुर जैसे छोटे से प्रतीत होता है। तो ऐसे श्री राम जी की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं ना, जिनके चरण कमल से गंगा प्रकट होती है, और गंगा में नहाकर लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं, अपने पाप से मुक्ति पाते हैं, वो प्रभु श्री राम आज केवट के पास नाव लाने गए हैं। और केवट भी बड़ा चालाक है, जो क्या करना चाहता है कि पैर धोकर अपनी मुक्ति करा लेना चाहता है, लेकिन वो जो है श्री राम जी को क्या करता है, घुमा फिरा कर बोलता है कि तर्क देता है अपना कि मैं आपका पैर धोना पड़ेगा, मुझे आपके चरण को धोकर ही मेरे नाव में सवार करना पड़ेगा, ऐसे वो तर्क देता है कि मैंने सुना है जैसे बताया, ठीक है, के नारी बन गई थी शिलाखंड पत्थर जो है नारी, अगर मेरी नाव जो है नारी बन जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा पालन पोषण इसी से होता है, घर जाऊँगा, हाँ मेरी मेरी जो वाली जो है वो पूछेगी यार इसको कहाँ से ले आया, फिर उसको क्या उत्तर दूंगा। आप देखिए मैं उतर कर बता रहा हूँ, पानी थोड़ा सा है, आप पार हो जाइए यहाँ से। तो केवट का मकसद नहीं होता कि राम जी जो है वहाँ से पार हो जाए, केवट का मकसद होता है कि मैं जो है पैर धो लूँ, तो ये होता है केवट का मकसद होता है। उसके बाद जो है वो पैर धोता है, पानी लाता है, उसके बाद श्री राम जी जो है उसकी भक्ति भावना से इतने प्रभावित होते हैं, अपने चरण कमल देते हैं उसको धोने के लिए, वो पानी लाता है, अच्छी तरह से धोता है, और अपने नाव में सवार करता है, और उस गंगा की उस तरफ पार कर देता है। उस तरफ उतरने के बाद राम जी जो है, और एक छोटा सा चित्रण मैं आपको बता रहा हूँ, तो राम जी जो है मन में जैसे संकोच होता है कि केवट को कुछ देना चाहिए, उसकी भक्ति भावना, उसके बाद उन्होंने केवट ने उन्हें पार किया, तो जो है इनके मन में कुछ होता है कि संकोच पैदा होता है कि यार मेरे पास तो नहीं है, ऐसे मतलब सोच रहे होते हैं। वहाँ पर वर्णन किया गया है कि ऐसे सोच रहे होते हैं, उतने में सीता जी जो हैं इस चीज़ को समझ लेती हैं कि राम जी के मन में जो है केवट को कुछ देने के लिए उत्सुकता है, लेकिन वो बेवश है, उनके पास कुछ नहीं है, तो अपनी मणि वाली क्या बोलते हैं इसको, अंगूठी, हाँ रिंग निकालती हैं और केवट को देना चाहती है। राम जी को बोलते हैं कि इसे केवट को दे दीजिए, राम जी बड़ा खुश होते हैं, सीता जी उनकी मन की बात समझ जाते हैं, तो वो केवट को गिफ्ट करना चाहते हैं, उपहार स्वरूप देना चाहते हैं उस रिंग को, लेकिन केवट केवट तो बड़ा चालाक है, केवट जो है राम जी का चरण यहाँ पर स्पर्श किया, चरण धो दिया अपनी मुक्ति के लिए, और वहाँ पर रिंग लेने से भी वो मना कर देता है, बोलता है नहीं प्रभु जी, आप वनवास से फिरते समय, रिटर्न होते समय मुझे आप जो भी गिफ्ट करेंगे ना मैं खुशी खुशी ले लूँगा, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं लूँगा। तो बस इतना ही था, आप जो है इसी के अंतर्गत से अक्सर क्वेश्चन आता है, उम्मीद करता हूँ प्रिपेरेशन आपका अच्छा चला होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत करीब आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ, एक दो व्याकरण बाकी है, उसको काल है, और क्या है,
शायद और सब कंप्लीट हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ इसका वीडियो भी आप तक पहुँचाया जाए, उसके बाद जितना हो सके कहानी हो या निबंध हो, जो भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स हो या फिर मैं तैयारी करके आपको जो है ऐसे सारांश बता दूंगा। आप खुद ब खुद तैयारी करना शुरू तो कर दिए होंगे, अब कोर्स भी कंप्लीट करिए। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।